गाइस तुम लोगों को पता है मैंने बहुत ही महंगी ये महिंद्रा था ब्रांड न्यू खरीदी और मैंने सोचा खरीदने के बाद क्यों ना शो ऑफ किया जाए, घूमने का लॉन्ग ट्रिप चला जाए। बट एक मिनट, ये क्या था भाई? अचानक से मेरी ब्रांड न्यू महिंद्रा थार के सामने इतना बड़ा पत्थर आ गया जिससे भाई मेरी आगे की गाड़ी की पूरी हालत खराब हो गई है। बट ये अचानक मेरे सामने कैसे आया, कैसे पॉसिबल? और ये पत्थर कोई मैजिकल पत्थर मेरे को लग रहा है क्योंकि भाई अचानक मेरे सामने आ चुका है और इसकी वजह से मेरी महिंद्रा थार की हालत, रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, आगे का पूरा बम्पर अंदर चला गया है। यार मैंने अभी बहुत ही महंगी ये खरीदी थी भाई, बट यार रोना आ रहा है। तुम लोग यहाँ पर देखो गाइस, महिंद्रा थार के साथ बहुत बुरा हुआ। बट ये पत्थर कहाँ से आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं कुछ देर खड़ा था और ये पत्थर के अंदर से ये मैजिकल पावर निकल रही है। ओ भाई ये चीज क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको यार, मेरा एक दोस्त है लेस्टर, उसको फोन लगाना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कि भाई ये सब क्या चल रहा है। लेस्टर यार ये देख क्या चल रहा है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज आके गिर गई है। और यार फ्रैंकलिन एक काम करो, पत्थर को ना मेरे ऑफिस में लेके आ, उसके बाद अपन उसको साइंटिस्ट को दिखाएंगे, फिर देखते हैं कि वो पत्थर है क्या एक्चुअल में। अरे ठीक है लेस्टर भाई, मैं लेकर तो आ जाऊंगा, बट लेकर कैसे आऊ ये भी तो बहुत बड़ी दुविधा की बात है। एक मिनट काम करते, महिंद्रा थार के पीछे एक बहुत अच्छी रस्सी है जो भाई हुक लगती है, तो अपन हुक को अटका दिया मैंने यहाँ पर राइट नाउ इस पत्थर के साथ, और यही पत्थर को घसड़ते हुए अपने को लेके जाना है लेस्टर के ऑफिस की तरफ। अब जाके अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पत्थर के अंदर ऐसा क्या है कि अचानक से ये मेरे सामने आ गया और थोड़ी देर बाद के अंदर से एक मैजिकल पावर निकल रही है। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, धुआं निकल रहा है और बहुत ही खतरनाक मैजिकल पावर निकल रही है। अब इसके अंदर क्या है वो लेस्टर पता लगाएगा। लेस्टर ने अपने साइंटिस्ट दोस्त को कॉल किया, उसके बाद अपने को पता चलने वाला कि एक्चुअल में है क्या। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लेस्टर के ऑफिस की तरफ, तो ये जो ऑफिस है लेस्टर का ऑफिस है। तो एक काम करते हैं भाई, इसको सेफ एंड सिक्योरली लेके चलते, ऐसी जगह पर रखते कि भाई कोई इसकी नजर ना ले और ना कोई चोरी करके ना जाए। तो एक काम करते, यहाँ पर रखना सेफ नहीं होगा, यहाँ पर आगे चल के एक टनल है, टनल के अंदर खड़े करेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे लेस्टर से, लेस्टर से बात करेंगे, लेस्टर को बोलेंगे कि भाई साहब क्या प्लान है हमारे पास, लेट्स गो। यहाँ पर खड़ी कर चुका हूँ, लेस्टर से मैंने बात भी कर ली और लेस्टर ने मेरे को एक एड्रेस दिया जहां मेरे को जाना है लैब में, और साइंटिस्ट को पिक करके यहाँ पर लेके आना है। तो वो साइंटिस्ट आएगा, उसके बाद वो इस पे एक्सपेरिमेंट करेगा और जब वो तोड़ देगा उसके बाद इसके अंदर क्या चीज है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और पत्थर क्या है मुझे भी नहीं आइडिया। तो भाई साइंटिस्ट के पास जाना, जब तक यहाँ पर लेस्टर जो बाकी सामान है ना वो लाएगा। और ये गाड़ी की हालत देखो भाई साहब, ब्रांड न्यू महिंद्रा थार के साथ क्या ही हो गया है भाई। मैंने आज ही सुबह लिटरली खरीदी थी गाड़ी और आज ही इसका उद्घाटन हो गया, बम्पर आगे पूरे अंदर की तरफ दब गया। मेरे को आज इसको रिस्टोर में देना पड़ेगा, मेरे को वारंटी मिली थी और मैं यहाँ पर इंश्योरेंस लेकर रखा था, तो गाड़ी को मैं बिना पैसे खर्च के रिपेयर करवा सकता हूँ। तो लेट्स गो, चलते फटाफट उस लैब की तरफ जहाँ पर हमारा वेट कर रहा है साइंटिस्ट। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा लेबोरेटरी और यहाँ पर कहाँ साइंटिस्ट, तो ये रहा वो साइंटिस्ट, शायद से यही साइंटिस्ट है। तो चलो इसके पास चलते और उसको पूछते कि भाई साहब क्या वो साइंटिस्ट है जिसको हमको लेस्टर ने लेने भेजा है। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर देखो गाइस बहुत ही बड़ा ये लैब है। और साइंटिस्ट, क्या सर आप वही साइंटिस्ट है जिसको लेस्टर ने लाने को बोला है? हाँ यार, ओ माय यू, चलो चलो फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। अरे यार गाइस, तो तुम लोगों ने सुनी लिया होगा कि भाई ये वही साइंटिस्ट है जो अपने को बताने वाला है जो मैजिकल स्टोन है उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, जो ऐसी पावर दे रही है। मेरे को तो लग रहा है उसके अंदर बहुत ही मैजिकल पावर होगा भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि मुझे फटाफट उस पत्थर के अंदर का पावर और राज जानना है। तुम लोग भी जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखना। लेट्स गो, यहाँ से भगाते हुए निकलते हैं, लेस्टर के ऑफिस की तरफ मैं आ चुका हूँ गाइस। तो यहाँ पर देखो लेस्टर कहाँ पर है, लेस्टर हमारा नीचे वेट कर रहा, बॉक्स लेकर आया है कुछ, तो लगता है वो एक्सपेरिमेंट जो यूज करने वाले ना उसके लिए बॉक्स लाया होगा। तो साइंटिस्ट सर आप यहाँ पर उतरो, मैं अपनी गाड़ी को जरा बाजू में खड़ी करता क्योंकि भाई मेरी गाड़ी की हालत तुम लोग देख सकते हो भाई, स्क्रैचेस आ चुके हैं भाई, भाई साहब बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। बट कोई बात नहीं, राइट नाउ फोकस करते उस स्टोन के ऊपर जो कि भाई तुमको पता है सामने खड़ा है, और वो जो स्टोन है ना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद अपने को पता चलेगा कि ये स्टोन एक्चुअल में है क्या। तो राइट नाउ देखो वो पावर निकलना बंद हो चुकी है और साइंटिस्ट यहाँ पर खुदाई कर रहा है उसके बीच में। इसने मेरे को बोला शाम तक वो पता लगा लेगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो मैजिकल पावर आ रही। तो जब तक मैंने कहा ठीक है आप लोग पता करो, मेरे पास एक काम है कि तुमको पता ही है मेरी महिंद्रा थार के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। तो राइट नाउ मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त बैनी के पास जो मेरे को इसको रिपेयर करके ब्रांड न्यू बना के देगा फिर से। बट यार ब्रांड न्यू बना के तो देगा बट वो टचअप करके देगा जिससे भाई पता लग सकता है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो फटाफट मैंने बैनी को कॉल करके मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को महिंद्रा थार को रिस्टोर करवाना है, इस तरीके से फिर से ब्रांड न्यू बनाना है जो कि तुम लोग देखने वाले हो। राइट नाउ तुम देख सकते हो गाड़ी पूरी रिस्टोर हो चुकी है और उसी बीच में मेरे को फोन आ गया था साइंटिस्ट और लेस्टर का। लेस्टर ने मेरे को बोला है कि तू आके देख भाई, चौक जाएगा इसके अंदर इनको क्या निकली है। तो फटाफट गाइस मैं भगाते हुए ऑफिस के पास आ चुका हूँ। इन लोग कहाँ पर है, रुको ये अभी भी यहाँ पर खड़े और पत्थर नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स वो स्टोन यहाँ से गायब हो चुका और नीचे कुछ तो व्हाइट
व्हाइट दिखाई दे रहा है। अरे यार लेस्टर यहाँ पर क्या हो गया, क्या निकला उसके अंदर से? अरे यार फ्रैंकलिन ये देख उसके अंदर घड़ी निकली है बेकार सी। क्या बात कर रहा है, घड़ी उसके अंदर से निकली है लिटरली गाइस। तुम यहाँ पर देखो नीचे पड़ी हुई जो घड़ी है वो निकली है उसके अंदर से। और ये दोनों इंटरेस्ट नहीं उसको लेके जाने को, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ। बट मैं लिटरली इतना गुस्सा होना कि भाई साइंटिस्ट बोल रहा है कि मेरे को छोड़ दे। मैं बोला भाई तू खड्डे में जा, तेरे को लेस्टर लेके जाएगा, छोड़ देगा। मैं तो चला, मेरे से नहीं हो रहा, मेरा दिमाग लिटरली बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। कल अपने को मॉर्निंग में मूवी देखने जानी है, तो यार राइट नाउ अपन जा रहे घर पे सोने को, सुबह मिलते हैं मूवी के लिए। क्योंकि भाई ये जो इतना मेहनत किया मैंने इसके लिए, ये घटिया सी घड़ी के लिए, भाई तुम देख सकते हो ये घटिया सी घड़ी मेरे को मिली, इतना डेंजर मेहनत करने के बाद। साइंटिस्ट को लाया हो, पत्थर को यहाँ पर लेके आया, उसके बाद वेट किया, उसकी वजह से मेरी मंजिला थारा पे खर्चा आया। तो भाई यार बहुत गुस्सा आ रहा है, तो छोड़ो कोई बात नहीं। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने को। एक मीटर को मेरा हाथ गर्म हो रहा है, मेरे हाथ से कुछ तो पावर निकल रही है, कैसी भाई चक्कर आ रही है मेरे को एक मीटर को। ओ ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, जो तुम अभी देख सकते हो ये वेनम है, वो घड़ी के अंदर लिटरली गाइस पावर है कि मैं एक एलियन या फिर बहुत ही खतरनाक पावरफुल एवेंजर बन सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो राइट नाउ मैं वेनम बन चुका हूँ, और वेनम के साथ मेरे को पावर मिल चुकी है वेनम की। और भाई साहब वो घड़ी तो लिटरली गाइस, तुमको याद है बेन 10 हम लोग बचपन में देखा करते थे, वो ऐसी ही घड़ी है भाई, इसके अंदर पावर है, मैं सोचूंगा ना वो चीज मैं बन सकता हूँ। तो लिटरली मैं वेनम बन चुका हूँ राइट नाउ। मुझे नहीं पता कल वो घड़ी काम क्यों नहीं कर रही थी, बट जब मैं मूवी देखने जा रहा था ये घड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और मैं बन चुका हूँ वेनम द एवेंजर। बट राइट नाउ मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है भाई, मुझे खाना, इंसानों को खाना है, बस मेरे को बस मेरा पेट भरना चाहिए। देखो गाइस क्या ही वेनम का पावर है इस मार। ओहो भाई अब तगड़ा फटका मार रहा है वेनम। ओए ओए लॉन्डो, पता नहीं मेरे को अब क्या क्या मैं बन सकता हूँ घड़ी के अंदर। देखना तो बनता है कि मैं घड़ी के अंदर इस्तेमाल करके क्या क्या बन सकता हूँ, कैसी पावर और कैसा एवेंजर या फिर कैसा एलियन बन सकता हूँ। यहाँ पर तुम वेनम देखो भाई, कितना ही गुस्सा और डेंजर दिख रहा है वेनम। तुम लोग रुको रुको भाई, पता नहीं अपन नेक्स्ट कौन सा बनने वाले। मैं सोचा चलो भाई साहब वेनम से तो मेरा मन भर गया, अब अपन ट्राई करते नेक्स्ट एवेंजर या फिर नेक्स्ट एलियन बनने का। लेट्स गो, देखते अपन कौन बनते इस टाइम पे। घड़ी पे दबाते और देखते गाइस ये क्या, मैं टकला बन गया बुड्ढा और मेरा हाथ में ये फायर स्टिक क्या। ओ भाई साहब तुम लोगों ने देखा ये स्टिक नहीं है भाई, ये तो एक बहुत ही बड़ी सकली और उसके ऊपर आग लगी। एक मिनट रुको, क्या मैं गोस्ट राइडर बन चुका हूँ? तुम लोगों को याद होगा गोस्ट राइडर जो कि भाई आग से खेलता है, उसके पास आग की बाइक होती है। बट मेरे पास नहीं है मेरी फायर बाइक, कहाँ है? रुको कैसे बुलाओ मेरी फायर बाइक को? एक मिनट, वो सिटी मार के बुलाता था ना, मेरे को याद आ रहा है वो सिटी मारता था, उसकी बाइक आती थी। एक मिनट रुको, सिटी मारते देखती मेरी बाइक आती है या नहीं। ओ भाई साहब ये देखो मेरी बाइक आ चुकी है फायर की। ओ भाई यार ये राइट नाउ मेरे पास मेरी फायर बाइक गोस्ट राइडर वाली फीलिंग मेरे को दे रही है भाई। ये घड़ी के अंदर तो बहुत ही खतरनाक पावर है। ये देखो भाई जिस गाड़ी के पास से मैं गुजर रहा हूँ वो गाड़ी ब्लास्ट हो जा रही है। ओ गोस्ट राइडर वाली फीलिंग। ओ भाई साहब कितना लंबा गया वो गाड़ी चलने की बात। ओए होए यार गोस्ट राइडर भी बहुत तगड़ा, मजा आ रहा है। अब मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट में क्या बन सकता हूँ, तो लेट्स गो देखते यहाँ पर खड़े करते और अभी बनते नेक्स्ट एवेंजर या फिर एलियन, देखते क्या बनते, दबाते घड़ी को। एक मिनट, मैं ब्लैक फ्यूचर फ्लैश बन चुका हूँ। अरे भाई अरे भाई ये क्या तगड़ी स्पीड है भाई यार, मेरे से स्पीड कौन भाग सकता है आज के जमाने में। भाई साहब ब्लैक फ्यूचर फ्लैश में बन चुका हूँ, तुम यहाँ पर देखो कितना डरावना और पावरफुल ये फ्लैश है, इसके अंदर नेक्स्ट लेवल वाली पावर। को मैंने समय को रोक दिया, मैंने टाइम को रोक दिया, फ्लैश इज द खतरनाक गाइस। तुम लोग देखो भाई ये घड़ी मेरे को मिल गई, अच्छा हुआ लेस्टर और साइंटिस्ट ने घड़ी नहीं ली, मेरे को घड़ी दे दी और यहाँ पर मेरे अंदर लिटरली पावर आ चुकी है। अभी तुम्हारा भाई फ्लैश बन चुका है फ्यूचर ब्लैक फ्लैश, जिसके अंदर तो नेक्स्ट लेवल की स्पीड और टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। ये देखो भाई यार एक फटका मारता हूँ गाड़ी कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर जाकर गिर रही है। भाई यार मेरी स्पीड, ओए 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 कहाँ जा रहा है बस वाले। अबे भाई तुमने ये देखा फटका, इस फटके में तुमने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और ये देखो भाई मेरी स्पीड का तो कोई जवाब नहीं, मैं जितने स्पीड में भाग के ना मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मतलब भाई फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चुटकी बजाते हुए मैं यहाँ से वहां जा सकता हूँ। तो लेट्स गो, अब देखता हूँ कि मैच चेंज कौन से में एवेंजर या फिर एलियन में हो सकता हूँ। अभी तो बहुत तगड़ा मजा आ रहा है घड़ी पहनने के बाद, लेट्स गो देखते हो लॉन्डो। ये देखो द फ्यूरियस
हल्क बन चुका हूँ मैं भाई साहब, द डेडली हल्क बन चुका, पावर मेरे अंदर, भूख लगी है मेरे को, ओ भाई मेरे को पावर दो, वो मजा आ रहा है, ओए होए ये हल्क पावर देखोगा, ओ भाई साहब तगड़ा जमीन फाड़ दूंगा, ओए होए 2.5 किलो के हाथ नहीं मेरे 300 किलो के हाथ है, एक एक डोले शोले देख रहे हो मेरे कितने जाते हैं, पावरफुल हल्क हूँ मैं यार, मतलब गाइस अब तो मेरे अंदर ऐसा हो रहा है ना कि भाई मैं कब नेक्स्ट एवेंजर या फिर नेक्स्ट एलियन बनता, क्योंकि तुम यहाँ पर देखो भाई इस घड़ी के अंदर इतने ज्यादा पावर है कि मैं कोई भी एवेंजर और कोई भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होके उसकी पावर अपने अंदर ला सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई मैं चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, धरती फट रही है, ओ भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, मेरे को तो हल्क में ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब अभी तक मैं फ्लैश में हो गया, गोस्ट राइडर में हो गया, वेनम में हो गया, बट भाई जो हल्क में जो पावर है ना मेरे को बहुत तगड़ा पसंद है ये हल्क की पावर। तुम यहाँ पर देखो भाई साहब कोई भी सामने आएगा चीर दूंगा फाड़ दूंगा, ऐसी वाली फीलिंग मेरे को आ रही, सनी पाजी वाली फीलिंग मेरे को आ रही कि भाई एक फटका मारो जमीन टूट जाएगी। तो भाई हल्क तो सबका फेवरेट है, मेरा भी हल्क फेवरेट है, बट यार मेरे को आयरन मैन बनना है, मेरे को आयरन मैन बहुत ज्यादा पसंद है, रुको अभी तो वेट करते हैं, क्योंकि भाई मेरे को हल्क में खेलने को बहुत तगड़ा मजा आ रहा है, हल्क में पावर जो यूज करने को मजा आ रहा है ना, तुम लोग को देख सकते हो भाई क्या स्पीड है क्या पावर हल्क के अंदर, जैसे मैं उड़ी मारता हूं नीचे आता हूं भाई जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, रुको भाई यहां पर तुम पुलिस वाले कर क्या रहे हो, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पास हल्क है, और तुम यहां पर मुझे ओ ये देखा भाई जो फटका मारा हवे में उड़ के गई, तुम लोग लिटरली रुक भाई इसकी ओ भाई गाड़ी तो खराब हो चुकी है, लेट्स गो देखते हैं कि अपन नेक्स्ट एवेंजर या फिर एलियन कौन सा बनते हैं, लेट्स गो बटन को दबाते हैं, उसके बाद यस गाइस जिसका मैं वेट कर रहा था वो घड़ी आ चुकी है, घड़ी ने मेरे को बना दिया है द आयरन मैन, ये देखो आयरन मैन की पावर, ओ हो भाई साहब रुको हवे में उड़ते आयरन मैन के साथ क्या ही झक्कास दिख रहा है आयरन मैन हमारा, गाइस तुम यहाँ पर देखो लिटरली गाइस घड़ी इज ऑन नेक्स्ट लेवल गाइस, और यहाँ पर देखो क्या ही स्पीड में हमारा आयरन मैन उड़ रहा है, ओए होए होए तुम्हारा भाई बन चुका है आयरन मैन और तुम्हारा भाई हवे से बात कर रहा है। तो अभी तुम लोगों ने देख ही लिया गाइस मैंने कितने ज्यादा एवेंजर एलियन में ट्रांसफॉर्म किया खुद को, तो अभी कमेंट में तुम मुझे बताओ तुम लोगों को पांचों में से कौन सा बेस्ट एवेंजर या फिर एलियन तुमको लगा है, और मेरे को तो भाई तुम पूछोगे तो पर्सनली आयरन मैन लगा, क्योंकि आयरन मैन तो मेरा पहले से ही फेवरेट है, और इसके अंदर जो पावर है जो कूल एटीट्यूड है ना मेरे को तो बहुत पसंद आता है, ये देखो भाई लेजर बीम छोड़ता है ना जो अपने हाथों से वो तो नेक्स्ट लेवल है, और यहाँ पर जार्विस मेरे से बातें कर रहा है, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब अभी तो मैंने 5 में कन्वर्ट किया है खुद को ट्रांसफॉर्म किया, इसके अलावा भी कौन सी पावर होगी इस घड़ी के अंदर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यहाँ तो बहुत तगड़ा मजा आया मेरे को आयरन मैन हल्क वेनम गोस्ट राइडर और फ्यूचर फ्लैश बन के, अब घड़ी को और एक्सप्लोर करेंगे अपन, देखेंगे घड़ी में कौन सी पावर आती है, और राइट नाउ देखो भाई आयरन मैन बन के तो तगड़ा मजा आ चुका है, तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं लेट्स गो अभी नॉर्मल फॉर्म पे अपन फिर से आ जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अपन कैसे बन सकते हैं और एवेंजर और एलियन। तो यहाँ पर देखो लास्ट टाइम उड़ने का मजा लेते क्योंकि भाई घड़ी अपनी है अपन कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेट्स गो नॉर्मल फ्रैंकलिन बन जाते हैं, उसके बाद अपन गाइस देखो तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, जब नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करो नोटिफिकेशन को मिल जाएगा, आई होप मजा आया होगा।